हे गाइज नमस्कार, क्रिकेट भी सचिन बोरा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइज आज आप लोगों को बताऊंगा कि लेग कटर बॉल या ऑफ कटर बॉल को आसानी से कैसे खेलेंगे। देखो इस तरह से प्रॉब्लम आ रही बहुत सारों को कि लेग कटर बॉल स्पेशली इस तरह से मिस हो रही है, तो इसको काउंटर करने का क्या तरीका है। गाइज आपने देख लिया होगा कि इस तरह से एक फ्रेंड का मैसेज आया था कि मैं बाकी शॉट अच्छा खेल रहा हूँ बट जब लेग कटर आ रही है तो इस तरह से मिस हो जा रही है, तो इसका क्या कारण। देखो आप बॉल टिप्पा कहाँ पे खा रही है और कैसे निकल रही है, और उसका तरीका मैंने उनको वैसे तो बता दिया था क्योंकि उनका टूर्नामेंट चल रहा था, तो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ क्योंकि अक्सर क्या है आप ही नहीं मुझे भी दिक्कत आएगी अगर मैं अपनी जगह से खेलूँगा। तो तरीका क्या है उसको खेलने का, और थोड़े दिन आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ पर आपने देख लिया ग्राउंड में जाके आप उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके आपका हो सकता है लग जाए बट कैच उठ गया तो आपके मन में फिर से डाउट आएगा कि नहीं यार इससे भी नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे बताने के बाद भी आपका कैच उठ सकता है। ऐसा नहीं, बॉल तब भी मिस हो सकती है, तब भी आपका कैच उठ सकता है, बट क्या तरीका जो है वही है। थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन तक उसमें तो आप इजीली उसको खेल पाएंगे। अगर दो चार शॉट आपकी प्रैक्टिस में अच्छी लग गई, नेट प्रैक्टिस में आपका बैट बॉल कनेक्ट होने लग गया, और नॉर्मल प्रैक्टिस में विदाउट जो टूर्नामेंट है उसके प्रैक्टिस में आपके दो चार छक्के लग गए कटर बॉल में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। उसके बाद आप जब भी मैच खेलेंगे किसी के साथ टूर्नामेंट में आप बड़ी इजी से उसको खेल सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई, आप आराम से खेल सकते हैं। मिस होगी तो आपको दिक्कत आएगी, तो इसका खेलने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। गाइस देखिए प्लेयर यहाँ पर खड़ा है, इनका क्या हो रहा है, बॉल वो डाल रहा है यहाँ पर और वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही घुमा रहे, बिल्कुल जोन में घुमा रहे हैं बैट को, बिल्कुल सही घुमा रहे जैसे घुमाना चाहिए। अगर वो नॉर्मल बॉल सिंपल है, कटर नहीं है, तो बिल्कुल वो छक्का जाएगा। बट उनका क्या हो रहा है, जैसे यहाँ से बैट घुमा रहे, देखो यहाँ पे बैट पहुँचा है, बॉल यहाँ टिप्पा खा के यहाँ से निकल जा रही, तो दोनों ही बॉल मिस होनी है क्योंकि हमारा बल्ला जा रहा है सीधा ऐसे करके, बॉल टिप्पा खा रही और ऐसे निकल जा रही, और वो खेल रहे अपनी जगह से खड़े खड़े। मैंने उनको एक पिछले वीडियो में बताया था कि क्या करना है। देखो जब मैं अभी कुछ दिन पहले गांव गया था, मेरा तीन बॉल कंटिन्यू ऐसा हुआ था कि बिल्कुल वो कटर मार रहे थे यहाँ से ऐसे निकल रहा था, मैं भी ऐसे घुमाया, फिर मैं समझ गया कि ये बंदा कटर मार रहा भैया, ये बॉल मिस हो रहा, मैंने क्या करना। अगले तीन बॉल में तीन छक्के मारे थे, तो एक स्टेप यहाँ पर लेना है, और यहाँ पर कब लेना है, जब बॉलर जस्ट रिलीज ये छूटने ही वाला है, अगर आप पहले ले लेंगे तो फिर वो यहाँ डाल देगा, फिर से दोबारा मिस हो जाएगा आपका। पहले नहीं जाना है, खड़े रहना है, उनको देखना है, पहले एनालाइज करना कि ये बॉलर कटर मारता है, ऐसा नहीं कि पहले आपको पता ही नहीं कटर मारता खाली स्टेप आउट ले रहा है, ऐसा भी नहीं। यहाँ पे जैसे रिलीज होने वाला है, रिलीज किया और यहाँ गया, और कटर बॉल याद रखना, कटर बॉल स्पीड में आएगा नहीं, आपको ये नहीं कि भाई मैं इतना जाने तक बॉल बहुत तेज़ी से आ जाएगा, ऐसा नहीं, कटर बॉल हमेशा स्लो आता है। तो आप जैसे यहाँ जाओगे उसके बाद वो यहाँ से अंदर आ भी गई तो आपके बैट में आ जाएगी। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, जैसे रिलीज़ करते ठक से एक कदम लेना यहाँ पे, फिर आपके जोन में आएगी, फिर ठक से घुमाना। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करना, अगर आपके पास कोई ऐसा लेग कटर बॉलर नहीं है, ऑफ कटर बॉलर नहीं है, तो क्या होगा आपको दिक्कत आएगी। फिर आपने क्या करना, हल्का सा स्पिन करके भी करा सकते हैं बॉल को, नज़दीक से स्पिन करा के, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है उस हिसाब से, तब जाके होगा। तो अंडर आर्म भी एक ऐसे करके होता है, घुमा के फेंकते बॉल, आपने कुल लगा के यहाँ पे टिप्पा खा के टर्न होती हुई बॉल को लपेटे में लेके छक्का मारना है, और जितना पॉसिबल हो सके अगर यहाँ से आप खड़े खड़े मारेंगे उसमें थोड़ा सा और दिक्कत आ सकता है। तिरछे बल्ले से सबसे बेस्ट शॉट लगता है ऐसे करके, ये तिरछे बल्ले से ऐसे शॉट मारेंगे, ये बहुत बढ़िया कनेक्ट होता है। बाकी जो ऑफ कटर आता है, अंदर की तरफ बॉल आती है, ऑफ कटर में क्या है, आप हल्का सा स्टेप आउट ले भी लेंगे, स्टेप आउट नहीं भी लेंगे, लेग कटर ऑफ कटर क्या है, यहाँ से अंदर की तरफ आता है, अंदर आते आते ऐसे कनेक्ट हो जाता है, यहाँ आपका छक्का जाएगा वो वाला इस तरह से। बट लेग कटर में दिक्कत आती है, बट वो जो बॉलर है वो क्या था, लेफ्ट हैंडर है, वो डाल रहा है अपनी तरफ से ऑफ कटर, लेकिन आपके लिए क्या बन जा रही, लेग कटर बन जा रही वो, तो ये दिक्कत आती है। अब अगर आप लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को बॉलिंग करेंगे, आप ऑफ कटर मारेंगे, तो उसके लिए क्या बनेगी, लेग कटर बनेगी वो। गाइस इस तरह खड़े खड़े अपनी जगह से खेलेंगे अगर कटर को, तो इस तरह से मिस होना ही होना है।
तो आपने स्टेप लेना है आगे को। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपके शॉट लगेगी, दूसरा बॉलर डिस्टर्ब होगा। हमेशा ही बॉलर अगर आप इस तरह से चहलकदमी करते तो बॉलर डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह से कुछ दिन प्रैक्टिस करिए, आसानी से आपकी जो कटर में शॉट लगेंगी। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस करिए, आपका आसानी से ये कनेक्ट होगा और छक्का जाएगा। गाइस ऐसे ही टिप्स के लिए चैनल में बने रहिए, चैनल को अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।